हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं हेड क्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन के अंतर्गत 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट लेवल सबके लिए रिक्रूटमेंट आउट हुई है। बेसिकली दोस्तों ये बड़ी जबरदस्त रिक्रूटमेंट आउट हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करने का मौका मिल रहा है। कुछ पोस्ट है दोस्तों 10वीं पास के लिए, कुछ पोस्ट है 12वीं पास के लिए, और कुछ पोस्ट ऐसे है दोस्तों सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइज बताएंगे सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों हेड क्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट के अंतर्गत रिक्रूटमेंट आउट हुई है। स्टोर कीपर की पोस्ट है, सिविलियन ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है, आईसीई फिटर की पोस्ट है, स्प्रे पेंटर की पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट आउट हुई है। इसमें सबसे पहले भी दोस्तों बात करना चाहेंगे, अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो कौन सी पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों बहुत जबरदस्त है, अप्लाई जरूर कर देना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों। स्प्रे पेंटर की पोस्ट है, इसमें सिंपल और सिंपल 10th पास चाहिए। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई टेक्निकल फील्ड, ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स, और सिंपल आपने 10th पास की हुई है, तो आप ये वाली पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 20 से 25,000 आपकी सैलरी बनेगी। और एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात करते हैं, आईसीई फिटर की पोस्ट है दोस्तों, इसमें भी 10th पास चाहिए। इसके साथ साथ लेकिन आपने अप्रेंटिस कंप्लीट की होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 एज होनी चाहिए, और सैलरी की बात करते हैं लेवल 2 कहेंगे सैलरी मिलेगी। अगली पोस्ट है दोस्तों स्टोर कीपर की, इसमें बेसिकली दोस्तों 12th पास मांगा गया है। 12th पास के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपिंग का दोस्तों, लेवल 2 कहेंगे सैलरी मिलेगी। और एज की बात करते कम से कम 18 साल, ज्यादा 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो ये मैंने अभी तक आपको 3 पोस्ट बता दिया। अगली पोस्ट की बात करते हैं, अगर आप ड्राइवर की पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत जबरदस्त पोस्ट है, सिविलियन ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट है दोस्तों। इसमें क्या मांगा गया, 10th पास के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, और लेवल 2 कहेंगे सैलरी मिलेगी दोस्तों। यहां तक आपको काफी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो काफी अलग अलग ट्रेड में आउट हुई है। जैसे कि आपको बता दूं, माली की है, पियन की है, ड्राफ्टर की है, और सीफर की वैकेंसी निकली है। इसमें बेसिकली 18 से 27 एज होनी चाहिए, और सैलरी की बात करो तो लेवल 1 कहेंगे सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 20 से 25,000 के बीच ही आपकी सैलरी बनेगी। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डायरेक्टली आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने के साथ साथ आपको अपने सेल्फ अटेस्ट कर देने हैं दोस्तों। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक लिफाफे में पैक करके उसके ऊपर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और ये दोस्तों ऑर्डिनरी पोस्ट करने हैं, ध्यान से समझना, ऑर्डिनरी पोस्ट करने हैं। द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नापिया ब्रिज फोर्ट सेंट जॉर्ज पीओ चेन्नई 6009 दोस्तों। यहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। लास्ट डेट की बात करें तो 31 जनवरी 2022 से पहले पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहां पे पहुंच जाने चाहिए। तो वीडियो कैसे लगे आपको मैं स्क्रीन में जो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।